एवरीवन। गुड इवनिंग गुंजन, गुड इवनिंग तमन्ना, गुड इवनिंग दिया, गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग हिमानी, गुड इवनिंग सिमरन, गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग रिया, गुड इवनिंग पूनम। गुड इवनिंग प्रकृति, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो इम्पोर्टेंट डेज कर रहे थे। गुड इवनिंग नीतू। तो फ़रवरी मंथ पे हम लोग पहुंचे थे, ठीक है? तो फ़रवरी मंथ किसके पास था? वो भाई यहाँ पर कौन था भाई? रोल नंबर 9 कौन है? रोल नंबर 9 नहीं है क्या? तो उस दिन क्या है, हमने इसके नेशनल ये इंपॉर्टेंट डेज तो लिख लिए थे फ़रवरी के, लेकिन इसके ट्रिक नहीं लिखे थे, ठीक है? तो ट्रिक ऐसा करते हैं, बना लेते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज थे, इसमें दो चार फालतू के भी थे, वो मैंने हटा दिए थे, ठीक है? तो इसका कुछ बना लेते हैं। देखो ऐसा करके कुछ बना लो कि इंडिया के तट पर, ठीक है, ये तट मतलब क्या हो गया, कोस्ट गार्ड, कोस्ट से रिलेटेड हो गया। इंडिया के तट पर ये दलदल था या कीचड़ था, क्योंकि वेटलैंड्स का मतलब क्या होता है, कीचड़ या दलदल टाइप का, ठीक है? तो कीचड़ था, उसकी वजह से काफी लोग कैंसर से बीमार थे, तो इस टाइप का आगे बन गया। और फिर डार्विन ने बोला कि ये सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस का मतलब कि लाइक डार्विन ने ऐसा बोला कि भाई ये सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस का मतलब कि एक न्याय हो रहा है आप लोगों के साथ, कि मतलब क्या था कि जो समुद्र था या इंडिया का जो कोस्ट गार्ड था उसके किनारे दलदल था, और दलदल की वजह से कुछ क्या हो रही थी, बीमारियां फैल रही थी। तो ये नेचर का क्या था, सोशल जस्टिस था लोगों के साथ में, ऐसा डार्विन ने बोला, ठीक है? तो ये हो गया। और इसके बाद जो है, इसके बाद ऐसा कर लेना कि माँ का नाम शांति है, ठीक है? तो मदर से माँ हो गया, पीस से क्या हो गया, शांति हो गया। तो माँ का नाम शांति है, एंड वो रेगुलरली क्या करते हैं, एक्सरसाइज करती हैं, इस टाइप का कुछ बना लो, जिससे क्या होगा, एक सस्टेनेबल। हाँ, ये कि मतलब माँ का नाम शांति और वो रेगुलरली क्या करते हैं, एक्सरसाइज करती है, ताकि वो सस्टेन कर पाए अपने बिलीफ को साइंस में, इस तरीके से, ठीक है? लाइक वो एक्सरसाइज करती है, हेल्थ कॉन्शियस है,
एंड हेल्थ कॉन्शियस का मतलब कि लाइक आप अपनी बॉडी के बारे में सोच रहे हो, तो वो सस्टेन कर पाए अपने बिलीफ को साइंस में कि भाई साइंस ऐसा कहता है कि अगर आप जो है एक्सरसाइज करते रहोगे, ठीक है, रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी जो है हेल्दी रहेगी। तो इस टाइप की ट्रिक हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी को जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गई इसकी, इंडिया के तट, ठीक है, पर तट पर दलदल की वजह से, ठीक है, वजह से लोगों को कैंसर हो गया। और डार्विन ने इसे सोशल जस्टिस ठहराया, ठीक है, ठहराया मतलब कि कहा कि भाई ये जो भी हुआ सही हुआ, क्योंकि आपने जो है दलदल गंदगी ये सब फैला रखी थी, इसकी वजह से ऐसा हुआ। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि कैंसर जो है इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, बट ऐसी खाली हम याद करने के लिए ऐसा सोच ले रहे हैं, ठीक है। तो डार्विन ने बोला कि भाई ऐसा जो है आपके साथ जो है ये सोशल जस्टिस हुआ है। उसके बाद जो है माँ का नाम शांति है, ठीक है, तो इसी में आगे कर लेते हैं, माँ का नाम शांति है जो डेली एक्सरसाइज करती है ताकि वो सस्टेन कर पाए अपने बिलीफ को साइंस में। ठीक है, तो ऐसे करके इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बना, लाइक हमने दो ट्रिक्स बना ली, मतलब दो पैराग्राफ हो गए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये इंडियन तट, ये तट हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड डे हो गया, उसके बाद दलदल से ये वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हो गया, ठीक है। और ये नंबर्स जो है वो आप याद कर लोगे, 1, 2, 4, 12 इस तरीके से सीरीज में, वो तो आपको करने पड़ेंगे। तो इंडिया हो गया, वेटलैंड्स हो गया, और उसके बाद जो है कैंसर डे हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर डार्विन डे हो गया, फिर सोशल जस्टिस, ये इंटरनेशनल डे ऑफ सोशल जस्टिस हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, तो ये इंटरनेशनल मैंगोज लैंग्वेज डे, मदर लैंग्वेज डे, ठीक है, माँ से, मदर से, ठीक है। उसके बाद जो है पीस से क्या हो गया, शांति हो गया, तो माँ का नाम शांति है जो डेली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से एक्साइज ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो ये एक्साइज जो होता है ना, एक्साइज, एक्साइज का मतलब आपने सुना होगा, जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, तो बेसिकली इनका काम जो है टैक्स वगैरह से रिलेटेड होता है, टैक्स कलेक्शन वगैरह से रिलेटेड होता है, या कहीं पर क्या होता है रेड मारनी होती है या छापा मारना होता है, तो ये लोग जाते हैं, ठीक है, जो एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे सीबीआई होता है वैसे एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, तो उन्हीं का डे होता है सेंट्रल एक्साइज डे, ठीक है। ये आपने देखा होगा काफी सारे सामान पर या काफी सारी चीजों पर क्या होता है एक्साइज ड्यूटी लगती है। एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि लाइक अगर आप उस चीज को एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। नेक्स्ट डे वर्ल्ड सस्टेनेबल डे हो गया, ठीक है, तो सस्टेन से क्या होगा, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल एनर्जी डे का मतलब क्या है कि जो ऊर्जा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस तरीके से करें ताकि उसकी बर्बादी ना हो और वो आगे की जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल होती रहे, तो वो क्या होगा, सस्टेनेबल यूज ऑफ एनर्जी हो गया। तो ये वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे हो गया, उसके बाद नेशनल फिर साइंस डे हो गया, ठीक है, विज्ञान दिवस। तो ये जो है फिर आप यहाँ से कर लोगे, तो ये सस्टेनेबल इसके लिए हो गया और फिर ये साइंस इसके लिए हो गया, ठीक है। आ गया सभी को समझ में, तो ये जो है आप लिख लोगे और इसी तरीके से आप इसको याद कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ मार्च वाले मंथ पे, तो मार्च वाला मंथ किसके पास था भाई, बोलो कौन था भाई, रोल नंबर 10,
रूल नंबर 10 है यहाँ पर, कहाँ का है भाई सब? 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। भैया मैं 9, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था, अब सही हो गया। वाओ, तो अब मेरी मेहनत तो यहाँ बेकार हो गई, आप इतनी देर बाद आए। तो दिसंबर है मेरा, तो कौन कौन सा रोल? गुंजन 3 का है मेरा, सर दिसंबर सर आई थिंक है। नहीं है शायद। चलो ठीक है, फिर मैं ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मार्च के इंपॉर्टेंट डेज लिख लो जल्दी से। यहाँ पर जो है कौन पहला आ जाएगा? 3 मार्च। ठीक है, ये होता है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, उसके बाद है एट मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, ये ध्यान रखना कि मार्च में आपका खाली इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, ऊपर जो अभी आपने पढ़ा था वो आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे था। ठीक है, फिर 13 मार्च है नो स्मोकिंग डे, यानी कि इस दिन स्मोक नहीं करना है। ठीक है, इस टाइप का डे है ये। ओके, फिर नेक्स्ट है 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है, कंज्यूमर राइट्स मतलब वो जागो ग्राहक जागो वाला, यानी कि ग्राहक को अपने जो है राइट्स पता होने चाहिए, उसके बारे में ये दिन है। ठीक है, 16 मार्च है नेशनल वैक्सीनेशन डे, मतलब टीकाकरण, वैक्सीनेशन डे। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिकल फील्ड से रिलेशन रखता है इसलिए। ठीक है, फिर 20 मार्च है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, या इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कर लो इसे। ठीक है, उसके बाद है 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। इसी के साथ जो होता है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी होता है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, ये भी मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड है। डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है एक ऐसे टाइप का, ये जेनेटिक डिसऑर्डर डिसऑर्डर होता है या हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है, जिसमें लाइक क्रोमोसोम के नंबर्स में या कुछ चेंज आता है। ठीक है, जहां तक मेरे को पता है। तो ये हो गया, और इसके साथ साथ क्या होता है, वर्ल्ड पोल्ट्री डे भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 मार्च, ये तो कभी आपके दिमाग से निकलना ही नहीं चाहिए, ये बहुत बार पूछा गया है, जो कि है वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे, तो ये भी आपका क्या है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, ट्यूबरक्लोसिस डे, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने हैं वो तो सारे अच्छे से पता होने चाहिए, टीबी डे हो गया, डाउन सिंड्रोम डे हो गया, लिप्रोसी डे हो गया, ठीक है, डायबिटीज डे हो गया, ये सारे अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आपके दिन हो गए जो आपको मार्च में याद करने हैं, तो इसकी जो है ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं इसको कि दुनिया के जंगलों में, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ है तो वर्ल्ड से दुनिया हो गया, तो दुनिया के जंगलों में जो औरतें थी या विमेन्स थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, स्मोकिंग को बंद करवा दिया, यानी कि धूम्रपान उन्होंने निषेध करवा दिया। ठीक है, तो दुनिया के जंगलों में औरतों ने स्मोकिंग को जो है बैन करवा दिया, जिससे जो कंज्यूमर थे, कंज्यूमर मतलब जो उस चीज का सेवन करने वाले लोग थे, ठीक है, कंज्यूमर का मतलब कस्टमर होता है, यानी कि जो सिगरेट लेते थे स्मोक करते थे ऐसे लोग, तो क्या हुआ कि जब इसको बंद करवा दिया
तो कंज्यूमर लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ पर वैक्सीन्स लेना शुरू कर दी। वैक्सीन्स का मतलब आप ऐसे समझ लो इंजेक्शन, जैसे क्या होता है ना कि जो लोग नशा वगैरह करते हैं तो वो ड्रग्स वगैरह कई बार क्या है इंजेक्ट भी करते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो कि जो कंज्यूमर लोग थे वो परेशान हो गए क्योंकि वो स्मोक नहीं कर पा रहे थे, और उसकी वजह से उन्होंने वैक्सीन्स लेना स्टार्ट कर दी। वैक्सीन्स का मतलब कि इंजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिए किसके, ड्रग्स के। और उससे क्या हुआ, उनको बहुत खुशी हुई, ठीक है, बहुत ज्यादा खुशी से वो क्या हो गए, पागल हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या हुआ, यहाँ पर जो ऊपर तो वाइल्ड लाइफ हो गया था ना, वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या था, दुनिया के जंगलों में करा था ना। वाइल्ड लाइफ तो मतलब ये होता है कि जंगल में जो जानवर वगैरह रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको ऐसे कर लो कि दुनिया के जो जंगली लोग थे, ऐसा समझ लो जंगली लोग, ठीक है, वाइल्ड लाइफ से जंगली लोग कर लेते हैं। तो दुनिया के जो जंगली लोग थे वहां पर औरतों ने स्मोकिंग को बंद करवा दिया, जिससे उसको कंज्यूम करने वाले जो कंज्यूमर थे वो परेशान हो गए, उन्होंने इंजेक्शन या वैक्सीनेशन लेना स्टार्ट कर दिया ड्रग्स की, जिसके बाद उनको बहुत ज्यादा क्या हुआ, खुशी महसूस होने लगी। उसके बाद क्या हुआ, जब ऐसा हो गया तो फिर ये फॉरेस्ट्री मतलब फिर जंगल आ गया ये आपका, ठीक है। तो इसके बाद जो है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जंगल में नीचे बैठकर, ठीक है, डाउन सिंड्रोम से नीचे कर लेते हैं, डाउन का मतलब नीचे, तो जंगल में फिर नीचे बैठकर कुछ लोग पोएट्री लिख रहे थे। खुश होने के बाद क्या है, जंगल में नीचे बैठकर कुछ लोग पोएट्री लिख रहे थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर आप ऐसा कह सकते हो कि उन्होंने जो है फिर गंदा पानी पिया वहां पर, ठीक है, क्योंकि वो सब नशे में हैं, खुश हो गए हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं, कोई पोएट्री लिख रहा है, किसी ने क्या करा, जंगल से गंदा पानी पी लिया, जिसकी वजह से उसे क्या हो गया, टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस सभी को पता होगा, जिसमें फेफड़ों में क्या हो जाता है, लंग्स में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसा करके इसको हम बना लेंगे, ठीक है। चलो फिर इसकी ट्रिक यही लिख लेते हैं जो अभी हमने बनाई है। तो पहला हो गया वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली लोगों, ठीक है, जंगली लोगों जंगली लोगों के लिए औरतों ने, ठीक है, मतलब विमेन्स, औरतों ने स्मोकिंग बंद करवा दी, ठीक है। इसके बाद तो जो कंज्यूमर थे, फिर उसके कंज्यूमर मतलब जो स्मोक करते थे, कंज्यूम करते थे सिगरेट को, कंज्यूमर फिर, ठीक है, इंजेक्शंस लेने लगे, इंजेक्शंस मतलब वैक्सीन्स, ठीक है, जिसमें ड्रग्स वगैरह थी, तो उसके जो इंजेक्शन या वैक्सीन लेने लगे, जिससे उन्हें बहुत हैप्पीनेस हुई, ठीक है। जैसे देखा है ना, भांग कोई खा लेता है तो कैसे पागल हो जाता है, तो वही सेम हुआ, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद जो है, उसके बाद कुछ लोग जंगल में नीचे बैठकर पोइट्री लिख रहे थे, मतलब कविता लिख रहे थे, ठीक है, पोइट्री कर रहे थे या लिख रहे थे, क्योंकि पोयम लिख रहे थे होगा तो पोइट्री कर रहे थे, ऐसा कर सकते हैं, पोइट्री मतलब कविता वगैरह जो है बोल रहे थे या उसका उसकी रचना कर रहे थे, ठीक है, पोइट्री कर रहे थे, ठीक है।
उसके बाद क्या था, और ठीक है, राइटिंग बहुत गंदी बन रही है आज, पता नहीं ये पेन टैप पे ढंग से लिखा नहीं जा रहा है। और बाकी लोग गंदा पानी पीकर, गंदा पानी पीकर टीबी का शिकार हो गए, ठीक है, हो गए। तो ऐसे करके लिख लो इसे। अब इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। जंगली लोगों से आपका वाइल्ड लाइफ हो गया, ठीक है, के लिए। और तो मतलब इंटरनेशनल वुमेन्स डे हो गया, स्मोकिंग मतलब नो स्मोकिंग डे हो गया, कंज्यूमर से क्या हो गया, इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है, इंटरनेशनल बोलो या वर्ल्ड बोलो, एक ही बात है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। फिर उसके बाद वैक्सीनेशन डे हो गया, ठीक है, ये भी आपका क्या, इंटरनेशनल वैक्सीनेशन डे, सॉरी नेशनल वैक्सीनेशन डे मतलब इंडिया का, तो नेशनल वैक्सीनेशन डे हो गया। और उसके बाद जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हो गया, ठीक है, या इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे हो गया, ठीक है। उसके बाद है कुछ लोगों ने जंगल में, तो ये आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हो गया, ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। नीचे बैठकर से, नीचे से क्या हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। एंड उसके बाद जो है वर्ल्ड पोइट्री डे हो गया, तो ये तीनों जो है एक ही साथ में आ गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गंदा पानी पीकर, मतलब ये पानी से क्या हुआ आपका, वर्ल्ड वाटर डे हो गया 22 मार्च। और उसके बाद टीबी जो है वो आपका ट्यूबरक्लोसिस डे हो गया। तो इस तरीके से जो है आप इनको याद कर सकते हो। डेट आपको सीरीज में याद कर लेनी है, लाइन टू लाइन, मतलब 3, 8, 13, इस तरीके से वो आप कर ही लोगे। तो ये जो है इसकी ट्रिक यहाँ पर बन जाएगी। और चाहो तो आप इन नंबर्स, ये नंबर्स भी जो है आगे लगा सकते हो ये पैराग्राफ में, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए नंबर्स को अलग याद रखो शॉर्ट में, क्योंकि नंबर्स याद करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि मार्च में कौन कौन सी डेट थी, 3 थी, 8 थी, 13 थी, इस तरीके से बाकी पैराग्राफ याद कर लोगे, ठीक है। आ गया समझ में सभी को? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अप्रैल में एक सेकेंड रुको, हाँ अप्रैल किसका था भाई, मेरा सर, सबका अप्रैल था? मेरा रोल नंबर 11 है ना, तो मेरा था। और कौन कह रहा है किसका था अप्रैल? सॉरी सर, अगस्त। अच्छा क्या हो गया, नींद में हो आप क्या, आप सही से सो रहे? सर लाइट नहीं है ना, तो वो अरे जी, मतलब फ्लैश लाइट भूल के पड़ रही थी। अरे भाई देख रहे हो, मेहनत ऐसे करनी चाहिए मेहनत। वो बचपन की कहानी याद है जो लोग बताते थे कि भाई हमारे जमाने के लोग ऐसे होते थे जो क्या करते थे, खंबे की लाइट में जाके पढ़ते थे। और भैया कैंडल की भी, मोमबत्ती जला के पढ़ते थे, बट ठीक है, मोमबत्ती में पैसे क्यों लगाने जो फ्लैश लाइट है, तो स्मार्ट सोचो। चलो ठीक है, अच्छी बात है, फ्लैश लाइट जला के अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कम से कम ये तो नहीं बोल रहे कि सीधे कि भाई मेरे घर तो लाइट ही नहीं आ रही, मैं क्या करूं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। चलो अप्रैल बताओ कौन कौन से हैं। 1 अप्रैल को होता है उड़ीसा डे और प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। ये रहने दो दोनों, ठीक है, उड़ीसा डे हमारे से कोई मतलब नहीं है उड़ीसा का भी, क्योंकि हमें तो उत्तराखंड का पेपर देना है, इसे छोड़ते हैं अभी, ठीक है। तो जो जो छोड़ देंगे उसको ट्रिक में से वैसे करके रिमूव कर देंगे, ठीक है। और ये ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, ठीक है, बिकॉज ऑटिज्म भी जो है ये सेकेंड वाला है ना, 2 अप्रैल, यस। हाँ, तो 2 अप्रैल को होता है वर्ल्ड ऑटिज्म डे, ऑटिज्म अवेयरनेस डे। किसी को पता है ऑटिज्म क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? जो डिसेबल होते हैं बच्चे, हाँ देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जिनका जो दिमाग है
वो सही से काम नहीं कर पाता, तो आपने देखा होगा वो अजीब अजीब से कुछ हरकतें कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं कई बार, ठीक है। तो क्या है कि वो अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, वो चीज उनके पास से खो जाती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो ऑटिज्म पीपल होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए अवेयरनेस फैलाने का मतलब ये कि भाई जो लोग इस चीज का शिकार हैं तो लोग उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार करें, गंदा व्यवहार ना करें। मतलब क्या है कि लोग कहते हैं कि भाई ये तो पागल है, ठीक है, इससे दूर रहो, तो ऐसा व्यवहार ना करें, उस चीज के प्रति अवेयरनेस फैलाना। ये 2 अप्रैल को जो है इसके लिए दिन मनाया जाता है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट बताओ, ठीक इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस है, इसी पे 4 अप्रैल। छोड़ो, ठीक है, माइंड अवेयरनेस छोड़ो, फिर नेक्स्ट आ जाओ 5 अप्रैल है ना, हाँ, ये वाला नेशनल इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम डे। मैरी टाइम डे, ठीक है। ये मैरी टाइम का मतलब है आपका रिलेटेड टू मरीन, यानी कि समुद्र से रिलेटेड है, ठीक है, समुद्र में जो चीजें चलती हैं जहाज वगैरह, आई थिंक उससे ही रिलेटेड है मैरी टाइम से रिलेटेड, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे, तो ये देख लो भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको हाईलाइट करके अच्छे से रख लो, ठीक है। ये भी आपका मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये 7 अप्रैल हो गया, हाँ 10 अप्रैल टेंथ को अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है। होम्योपैथी की स्पेलिंग ना 2 तरीके से लिखी जाती है, तो कई बार इसको HOMEO लिख लिया जाता है, कई बार इसको HOMOEO, सॉरी यहाँ पर EO आएगा, HOMOEOPATHY, कई बार ये स्पेलिंग में लिख दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये मदरहुड इलेवन वाला, अप्रैल हाँ मदरहुड ये रहने दो, नेशनल पेट डे रहने दो, हाँ ये 13 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, जलिया वाला बाग मैस्कर। जलिया वाला बाग। अच्छा बताओ ये जलिया वाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर अमृतसर में, ठीक है। क्या हुआ था यहाँ पे, किसी को कुछ कहानी याद है इसकी? इस दिन जनरल जो डायर थे उन्होंने अटैक करने के लिए का ऑर्डर दिया था जब बैसाखी का फेस्टिवल बन रहा था यहाँ। हाँ, तो क्या हुआ था ना, सिख लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पे उस दिन, तो इन्होंने जो जनरल डायर थे इन्होंने अचानक से गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान गई थी। तो इसे जो है जलियांवाला बाग मसीकियर डे बोला जाता है, या जलियांवाला बाग हिंसा दिवस इस तरीके से बोला जाता है, और ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में। तो उसी की याद में उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो निर्दोष लोग मारे गए थे, 13 अप्रैल को हर साल जो है यहाँ पर ये दिन मनाया जाता है, और यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है वो दी जाती है, ठीक है। कई बार प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कई बार कोई और आता है, लेकिन गवर्नमेंट से कोई ना कोई जाता जरूर है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सेवनटीन बताओ, सेवनटीन अप्रैल अप्रैल ठीक है, हीमोफीलिया ये हो गया आपका वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। किसी को पता है हीमोफीलिया क्या होता है? डे। यस सर, बताओ, तो हीमोफीलिया में मतलब जो ब्लड होता है ना उसकी मतलब उसकी कमी हो जाती है, और जैसे कभी कट जैसे किसी का हाथ वगैरह कट गया तो एकदम से कमी कहाँ खून होती रुकता है, नहीं है। कमी कमी कहाँ होती है हीमोफीलिया में? कमी तो आपकी उसमें होती है, क्या बोलते हैं उसको, इससे खून आते रहता है, रुकता नहीं है। हाँ रुकता नहीं हाँ है, सर, अगर चोट कहीं पर लग गई और खून एक बार बॉडी से किसी भी जगह से निकलने लग गया तो उसे कंट्रोल करना नामुमकिन जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज और ध्यान रखो कि कभी भी किसी वर्ड में ये वर्ड आए हीम, ठीक है, हीम या हीमो करके आए तो मतलब वो ब्लड से रिलेटेड होगा, और हीम ये जो है हीम एक्चुअली में ये रिलेटेड टू क्या होता है, मतलब ये पिगमेंट होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है, ठीक है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है हीम। तो ये हीमो करके कहीं पर भी वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या है, वो रिलेटेड टू ब्लड है, ठीक है। और इसके बाद है आपका 18 अप्रैल 21 अप्रैल, वर्ल्ड हेरिटेज डे। हेरिटेज का मतलब होता है कि लाइक जो हमारी पुरानी चीजें हैं, ठीक है, मतलब मैं हिंदी में इसका नहीं याद आ रहा अभी एग्जैक्टली, हेरिटेज का मतलब कि जितनी पुरानी चीजें जो होती हैं, मतलब कि
हिस्ट्री से रिलेटेड आप समझ सकते हो हेरिटेज, ठीक है, जो हमारा कल्चर है वो चीजें, तो वो हेरिटेज में आती है, तो उसके लिए जो यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला छोड़ दो, सिविल सर्विस डे, सेक्रेटरीज डे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 22 अप्रैल, वर्ल्ड अर्थ डे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड अर्थ डे, अर्थ डे हो गया, वाटर डे हो गया, वाइल्ड लाइफ डे हो गया, एनवायरमेंट डे हो गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड अर्थ डे हो गया, फिर ये बुक एंड कॉपीराइट छोड़ो, 22 अप्रैल, हाँ, पंचायती डे छोड़ो, फिर 25 अप्रैल पे आ जाओ, मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिजीज से रिलेटेड है, यानी कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, 26 अप्रैल वर्ल्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ठीक है। किसी को पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या चीज होती है? देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है, इंटेलेक्चुअल वर्ड का मतलब होता है आपकी जो बुद्धि है उसको इंटेलेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो बुद्धि यानी कि जो आपने अपने दिमाग से कोई चीज करी हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि किसी ने कोई चीज बनाई है खुद से और वो उसकी है, ठीक है। जैसे कि मान लो अरिजीत सिंह ने कोई गाना गाया अपनी आवाज में, तो वो गाना उसका है, ठीक है, उस पर उसका क्या है, कॉपीराइट है। तो ये है कि कोई उसको अपनी मूवीज में, कहीं पर बड़े इवेंट्स में अरिजीत सिंह की परमिशन के बिना उसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो क्या है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो ये है कि किसी की भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप उसकी बिना परमिशन के नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो है आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मैं डेफिनेशन भी बता देता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ, कि बौद्धिक संपदा किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, साहित्य कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि को कहते हैं। यानी कि किसी ने भी अपना कोई क्रिएशन किया हो, जैसे मान लो मैं यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो वो मेरी क्रिएटेड वीडियो है, कोई उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता बिना मेरी परमिशन के, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल मतलब रिलेटेड टू योर इंटेलेक्ट, यानी कि आपकी बुद्धि से रिलेटेड जो आपने काम किया हो, और प्रॉपर्टी का मतलब जो चीज आपकी हो। आ गया सभी को समझ में? यस सर, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, और फिर क्या है, ये लास्ट वाला छोड़ दो, ये वाला देख लो, वर्ल्ड वेटनरी डे। 28 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटनरी डे। वेटनरी का मतलब क्या होता है, जो पशु चिकित्सक से रिलेटेड होते हैं, एनिमल डॉक्टर से रिलेटेड, ठीक है, या एनिमल हेल्थ से रिलेटेड। तो वर्ल्ड वेटनरी डे हो गया, ठीक है। तो ये हो गए, चलो अब ट्रिक कर लेते हैं। तो आप जो है मेरे को ट्रिक बताओ, और उसमें जो है जो हमने डेज अभी छोड़ दिए हैं उनको हम हटा देंगे, ठीक है। आप ट्रिक ऐसा करो, पूरी बता दो, हम फिर उसको दोबारा से रिकनेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उड़ीसा में ब्लाइंडनेस से उड़ीसा ठीक होने के लिए, में ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड से ठीक होने के लिए ब्लाइंडनेस से ठीक होने के लिए ऑस्टिज्म, 1 मिनट, हाँ, ऑटिज्म, ठीक नहीं ये अलग है, इसमें एस पहले है, एस नेम है ये जो उससे कनेक्ट हो जाएगा। है, अच्छा, फिर माइन और मैरीटाइम, माइन और मैरीटाइम, अपने हेल्थ के लिए अपनी हेल्थ के लिए होम्योपैथी के पास, होम्योपैथी के पास, अपनी मदर के साथ, अपनी मदर के साथ गए वहां उन्हें जलियांवाला बाग दिख गया जिसकी वजह से
जिसकी वजह से उन्हें हीमोफीलिया उन्हें हीमोफीलिया हो गया हो गया। फिर और एक अलग सेंटेंस है फिर। अच्छा चलो रुको भी, हाथ थक गया। चलो इसे पहले देख लेते हैं। तो हमने जो है उड़ीसा डे हटा दिया था, ब्लाइंडनेस हमने हटा दिया था, ऑटिज्म है हमारा, माइंड नहीं था और मरीन था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसे हटा दो और अब हम क्या कर देंगे, ये जो ऑटिज्म है ठीक है, इसको ऑटिज्म ही कर देते हैं। तो ऑटिज्म से ठीक होने के लिए, ठीक है, के लिए इसको कर देते हैं मरीन, मरीन का रास्ता, मरीन का रास्ता मतलब समुद्र का रास्ता। इतना टाइम कितना हो गया, ठीक है, मरीन का रास्ता इस तरीके से कर लेंगे। अपने हेल्थ के लिए होम्योपैथी के पास